काश्मीर रास्तार पश्चिम बंग से दिन आउ बेसी नुहे जेबे काश्मीर भली पश्चिम बंगरु हिंदू पलायन करबाकु पड़िबो। असहाय मानुष जदि बांग्लाय दरजा खटखटानी करे आम्रा तादेर आश्रय निश्चय देबो। अब पड़ोसी राज्य हेबाकु जाउछि मुस्लिम बहुल राज्य, एक कथा आमे कहुनु पश्चिमबंग विष्णुपुर रु बीजेपी सांसद सौमित्र खान संसद रे रखिछंती ए भली चांचल्यकर बयान, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हर दिन पर डे 5000 से 10000 रोहिंगा पर डे आ रहा है। तंका कहिबा हला पश्चिमबंग रे प्रतिदिन 5 रु 10000 रोहिंग्या मुस्लिम बेआईन भाबे अनुप्रवेश करुछंती, जहाक केवल बंग नहे बरम पूरा देश पाई विपद। पश्चिमबंगर हिंदूंक सह सही भली हेबाकु जाउछि जहां 90 दशक रे काश्मीर हिंदूंक क्षेत्र रे घटी थिला बोली कहिछंती सौमित्र खान। पूरा विश्व में जितना रोहिंगा है उसको इनवाइट कर रहे, इसमें हम लोग अच्छा रहेंगे? इसमें हम लोग अच्छा रहेंगे? आप लोग बोलिए नहीं रहेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हर दिन पर डे 5000 से 10000 रोहिंगा पर डे आ रहा है, और आने के बाद पूरा भारत में सप्लाई हो रहे हैं। सुमित्रा का सह स्वर मिसाई चंती केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह एक्स रे पोस्ट करी से ए प्रसंग रे चिंता प्रकट करिबा सह कहिछंती यदि पश्चिम बंगर हिंदू एक न हुअंती सेमानंकु बंग छाड़िबा को पड़िबो। किछि दिन तळे ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे मध्य देशर बदलुथिबा डेमोग्राफी प्रसंग संसद रे उठाइथिले। बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया। मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। आसाम मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा मध्य निकट आसाम रे बढ़ुवा मुस्लिम जनसंख्या को नहीं गभीर चिंता प्रकट करते। जदि यही धारा जारी रुए तबे आसाम खूब शीघ्र एक मुस्लिम बहुल राज्य बनीजिव बोली आशंका प्रकाश करते विश्व शर्मा। चलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं आसाम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। किस लिए? मैं आसाम में बंगाल में हर दिन, मेरा आसाम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है, 1951 में 12%, आज आसाम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है, इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूँ। एबे प्रश्न उठुची सौमित्र खान संसद रे ए प्रसंग उठाइले काहे कि कारण निकट रे पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एपरी एक बयान देथिले जहां सौमित्रंकु ए विषय उठाइबाकु बाध्य करथिला। कोन एपरी कहिथिले ममता बनर्जी जहां पश्चिमबंगर हिंदूंक पई सतर्क घंटी थिला। किंतु मैं एटुकु बोलते पारी, असहाय मानुष जदि बांग्लाय दरजा खटखटानी करे आमरा तादेर आश्रय निश्चय देब। তার কারণ এটা ইউনাইটেড নেশনসের একটা রেজুলেশন আছে, কেউ যদি রিফিউজি হয়ে যায় তাকে পাশের পার্শ্ববর্তী এলাকা তাকে সম্মান জানাবে। পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জি কেন্দ্র সরকার আনিথিবা এনআরসি ও সিএএ কু মধ্য বিরোধ করি আসুছন্তি। এভাবে স্থিতিতে বাংলাদেশী শরণার্থীঙ্ক পাই সাহান মেলা করিবা ভলি বয়ান প্রত্যেক সচেতন হিন্দুঙ্কর চিন্তা বড়াইবা স্বাভাবিক। এবেঠু ন চেতিলে পশ্চিমবঙ্গরে মধ্য কাশ্মীর ফাইলসর যে পুনরাবৃত্তি ন হেব সে কথাকু এড়াই দিয়া যাই ন পারে। ব্যুরো রিপোর্ট, আর্গাস নিউজ। যদি আপনকু আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমার চ্যানেলকু লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করিবাকু জমা বি ভুলন্তু নাহিঁ।